डिसाइड नहीं हुआ है। मतलब जो भी चीजें हैं अच्छी बुरी हमें जरूर बताएं। फर्स्ट दिन है इस साल का, तो सभी का जो है बारी बारी से पूजा करा जाएगा। अच्छा, एक बाईपास है आपको गोपालगंज के अंदर अंदर, अगर सिटी के अंदर अंदर नहीं जाना है, बाहर बाहर निकल। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल एंड हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल। सबको नए साल की शुभकामनाएं और हार्दिक बधाई। तो आज हो गया है नया साल और सुबह सुबह के बजे 8:30 और आज हम जल्दी जल्दी उठ गए हैं। तो फिलहाल तो ये देख लीजिए, सबको हैप्पी न्यू ईयर और इसको भी हैप्पी न्यू ईयर। उधर एक और खड़ी है, उसको भी हैप्पी न्यू ईयर, और सबको हैप्पी न्यू ईयर बोलेंगे। और अभी अर्ली मॉर्निंग में उठा हूँ, मैं जा रहा हूँ मार्केट कुछ सामान लाने, लेके आता हूँ तो फिर मिलता हूँ। चलिए, तो आज का जो दिन रहने वाला है वो सबके लिए बड़ा ही स्पेशल होगा, अपने लिए भी बहुत स्पेशल होता है। बट हम कहीं निकले नहीं, कोई ट्रिप नहीं करे, क्योंकि इस बार जो है हमें मम्मी पापा को कहीं पे घुमाना था, तो इसीलिए मैं कहीं और नहीं गया। मैंने सोचा कि सारा ट्रिप का जो प्लानिंग है वो करते रहेंगे। एक सेकेंड, ठीक है, तो फिर अब बढ़ता हूँ, मिलता हूँ आप लोगों से मैं थोड़ी देर में। तो लीजिए, आपका भाई आ गया फाइनली अब गाड़ी में, और अब हाईवे पे होऊंगा। ये देख लीजिए, गाड़ी मस्त मीठे मीठे स्पीड में चल रही है। और आज का जो है प्लानिंग, अभी मुझे कुछ भी नहीं पता है, कसम से कुछ नहीं पता है। मैं बस उठा हूँ, और उठते उठते क्या है कि घर वाले ने बोला कि जाओ फटाफट से दूध लेके आ जाओ। तो क्या है, सुबह सुबह राजा डेली जाता है, उसका ट्यूशन है, तो दूध लेके पहुँच जाता है। तो आज क्या है कि था नहीं, और जो था वो लोग चाय पी गए, तो मेरे लिए नहीं था। सो मैं आया हूँ दूध लेने, और फिर बढ़ेंगे आज की जो भी प्लानिंग्स रहेंगे। मम्मी पापा को जो भी मंदिर वंदिर ले जाना है ले जाएंगे, और फिर अपना देखते हैं क्या हो रहा है। अभी फिलहाल तो कुछ नहीं है, क्योंकि अब घर पे है तो सब चीज़ मम्मी पापा को ही अर्पण है। बाकी मिलता हूँ मैं। और ठंडी एकदम एक्सट्रीम लेवल पे है बाहर, वैसे फॉग कम है लेकिन ठंडी है। लीजिए, फाइनली आ गया मैं घर पे, सब सामान जो भी लेना था दूध वूध लेके। और हमारे साथ ब्लॉग में जुड़ चुके हैं मुन्ना जी भी, मैंने इनको भी महावतपुर से जो है टांग लिया। देखिए कैसे नमस्ते करिए। गेट कोई खुला हुआ है जी, लॉक नहीं हो रहा है, हो गया लॉक हो गया, बड़ा ही प्रॉब्लम है। और इधर ये दृश्य देखिए, अभी एक और नहीं दिख रही भाई, कहाँ है? प्लेटिना नहीं दिख रही, बाकी सब गाड़ियां जो है बाहर आज निकली है, क्योंकि आज फर्स्ट दिन है इस साल का, तो सभी का जो है बारी बारी से पूजा करा जाएगा, सब गाड़ी का होगा। जी, हम लोग का न्यू ईयर अब कुछ ऐसे मन रहा है, एकदम देहाती स्टाइल में चिकन हम लोग बनाए हैं चूल्हा के आँच पे, और सब लोग खा रहे हैं। देखिए पिस्टल बॉय एकदम लगे हुए हैं कि कैसे क्या क्या खा लें, क्या छोड़ दें। चलिए, तो फटाफट से खाने को जो है निपटाया जाए, फिर मिलता हूँ मैं। सो देख लीजिए, तो फाइनली अपना प्लान जो है वो बन ही गया, कहीं ना कहीं घूमने का। अभी भी डिसाइड नहीं हुआ है, तो यहाँ आसपास गोपालगंज जाएंगे कि थावे जाएंगे या मुतिहारी साइड जाएंगे, अभी कुछ नहीं पता है। बाकी सारी जनता एकत्रित हो रही है, घर में लग रहा है लॉक, बाकी लोग कुछ लोग इधर, और सब लोग अब आएंगे अंदर इसी गाड़ी में। चलिए मुन्ना जी, सीट ग्रहण करिए। यात्रीगण अपना अपना सीट पकड़ लें और अपने सामान की रक्षा स्वयं करें। चलिए, तो आज की ब्लॉग जो है फ्रेश ब्लॉग स्टार्ट हो रही है अभी से, मतलब ब्लॉग तो अपनी सुबह से ही स्टार्ट है, बट अभी से फ्रेश हो रहा है, फैमिली के साथ निकलेंगे, बाकी का जो सिस्टम है वो आगे दिखाया जाएगा आपको। ये देख लीजिए, अभी मैं हूँ नेशनल हाईवे पे, और ये बगल में है नेटुआ बाबा, जय हो वीर नेटुआ बाबा की। और मैं हूँ पीछे, सब लोग हैं देख लीजिए, मुन्ना जी भी हैं एकदम आगे से लेके पीछे तक लोग हैं। अब एक चिड़िया भी नहीं बैठ सकती है इसमें, तो हम लोग सब लोग निकले हैं, बट अभी तो कुछ डिसाइड नहीं हो पा रहा है कहाँ जाएँ, क्या करें क्या नहीं करें, बट निकले हैं गोपालगंज वाले रोड में, देखते हैं कहाँ तक जाते हैं। जहाँ तक मन करेगा जाएंगे, जहाँ मन कर देगा वहाँ से घूम लेंगे, है ना। मिलते हैं फिर। ये देख लीजिए, मैं गोपालगंज जाऊँ और इस वाले रोड में आकर ऑफ रोडिंग ना करूँ, और थोड़ी बहुत स्कॉर्पियो की बड़ाई ना करूँ, तो मेरे खाना जो है डाइजेस्ट नहीं होता। ये देख लीजिए, ये रोड में सभी गाड़ियों का हालत ख़राब है, ट्रक और स्कॉर्पियो को छोड़ के। हम
गंदा ऑफ रोडिंग मिलता है यहाँ पे। थोड़ा सा एक पैच है, वो भी बहुत जल्दी ठीक हो जाएगा, बट फिलहाल एकदम गाड़ी को डुला के हिला के एकदम झूला खिला के ये रोड रख देता है। ये देख लीजिए, फाइनली डिसीजन नहीं हुआ कि आ गया गोपालगंज, लेकिन अब यहाँ आके हमें जो है थोड़ी बहुत क्लैरिटी मिली है कि कहाँ जाना है। तो अब हम लोग बढ़ रहे हैं थावे की तरफ, थावे मंदिर, माता रानी का जो मंदिर है, तो उसी के रास्ते में है हम सब लोग। बाइक देख लीजिए एक एक बार सब लोग गाड़ी में, बस अब बढ़ते हैं वहाँ पे, क्योंकि आज नया साल है और एक बहुत ही फेमस मंदिर है माता रानी का, थावे का। बहुत दूर दूर से लोग आते हैं, नेपाल के उधर से, मेडिकल कॉलेज से भी कुछ लोग आए हुए थे, NMC जो है नेपाल का जो कॉलेज है, वहाँ पे मैं गया था, तो वहाँ कुछ भैया के दोस्त बता रहे थे। तो उतने दूर के लोग यहाँ पे आ रहे हैं दर्शन करने, तो हम तो फिर भी नज़दीक के हैं। चलिए वहीं पे आप लोगों को भी लेके चलता हूँ मैं। ये देखिए गोपालगंज में भी कंस्ट्रक्शन ऑन द टॉप है, ये बहुत दिन से चल रहे ब्रिज का कंस्ट्रक्शन, ये भी हो जाएगा एक बार कंप्लीट, तो यहाँ पे भी ट्रैफिक जो है कम लगेगा, रोड की कंडीशन कुछ ठीक हो जाएगी। तो मैंने सोचा अपने जो हमारा होम डिस्ट्रिक्ट है इसके बारे में भी कुछ अच्छी चीज़ें जो है वीडियो में शेयर करी जाए, और बाकी आगे आधा कंस्ट्रक्शन जो है मेरे ख्याल से हो गया है, स्ट्रक्चर तो रेडी ही है पुल के सब, बस थोड़ी दूर और है वो। चलिए मैं आप लोगों को लेके चलता हूँ, ऐसा कुछ सिस्टम है, बहुत दिन से काम चल रहा है, ये वर्क इन प्रोग्रेस ही है। देख लीजिए ये बड़े बड़े इक्विपमेंट्स। तो यहाँ का भी जो है दिन दशा चेंज होने वाला है, बहुत आगे जाने वाला है ये चीज। सो यही चीज थी जो मुझे आप लोगों के साथ दिखाना था। ये एक नया रोड है थावे जाने का, छपरा सिवान 36 किलोमीटर, यहाँ पे सिवान लिखा है। तो ये बहुत ही अच्छा एक बाईपास है आपको गोपालगंज के अंदर अंदर, अगर सिटी के अंदर अंदर नहीं जाना है, बाहर बाहर निकलना है, तो इसीलिए मैंने आज ये वाला पिक करा। मैं तो बहुत बार गया हूँ बट मैंने ब्लॉग में ये चीज़ कभी शो नहीं करी है, तो मैंने सोचा आज आप लोग को भी दिखा दूँ। बहुत ही अच्छा बाईपास है, एकदम A1 फर्स्ट क्लास रोड, सीधा थावे से थोड़ी दूर पहले जाके निकलेगा, आपको कहीं पर बीच में ट्रैफिक में नहीं घुसना है। अगर आप लोग भी यहाँ से हैं जो है उनको तो पता ही है, लेकिन जो बाहर से आ रहे हैं तो अंदर सिटी में ना घुसे, बाहर बाहर बाईपास होके थावे आप लोग आ सकते हो। देख लीजिए हम लोग आ गए हैं थावे, और फैमिली के लोग चले गए अंदर दर्शन के लिए, मैं नहीं गया क्योंकि मैं नॉनवेज खा लिया हूँ, और जो जो लोग नॉनवेज खाए हैं वो नहीं गए हैं। देख लीजिए पिस्टल जी भी नॉनवेज खा लिए थे, मुन्ना जी भी नॉनवेज खा लिए हैं, राजा बाबू भी नॉनवेज खा लिया है, जो जो नहीं खाए हैं नहीं गए हैं। और बड़ी गाड़ी होने का फ़ायदा ये देख लीजिए आप लोग कि कैसे खड़ी है ये गाड़ी, दिख रही है पीछे से एकदम हुड है, अगर नीचे से आप लोग जज कर पा रहे हो, पीछे से पूरा हुड हो रखा है और फिर भी गाड़ी खड़ी है। तो ये कुछ बेनिफिट्स है आपके पास अगर एक स्कॉर्पियो है तो। ये थावे से पूरा घूम के निकलना हमारा जो है हो गया है, और बहुत ही भीड़, इतना ज़्यादा खचाखच भीड़ की जिसका कोई उपाय नहीं है। बड़ा ही मुश्किल से हमारा दर्शन वर्शन हुआ, और मतलब जो लोग दर्शन किए उनका हुआ, और बस अब वापसी घर के लिए। हे माता रानी, क्या ट्रैफिक है भाई साहब, क्या ट्रैफिक है। ये देख लीजिए गोपालगंज जब छोड़ा जाए मार्केट, तो एक और छोटा सा पैच आता है ये ऑफ रोडिंग का, बड़ा ही भयंकर पैच है ये। देख लीजिए आगे ट्रक का और स्कॉर्पियो का क्या हालत है, सब गाड़ी एकदम ऐसा ऐसा झूल रही है, ऐसा लगता है कि इसी चीज़ के लिए इसको बनाया ही गया है। ओ तेरी रोड कितना गंदा है, देख लीजिए वो तो स्कॉर्पियो वाला बाजी मार गया, निकल लिया, हम इस कीचड़ में नहीं जाएंगे। कोई नहीं, थोड़ी देर ट्रक के पीछे चलेंगे और फिर बहुत ही जल्दी नेशनल हाईवे को कंटिन्यू करेंगे, यहीं से कर लेंगे, ज़्यादा आगे नहीं जाएंगे। ओ आगे बस आ गया अपना एक पैच छोटा सा ख़त्म अभी ये, एंड नाउ वी हैव टू टेक राइट। ये लीजिए अरे तेरी, किसी भी छोटी गाड़ी के लिए या किसी भी नॉर्मल गाड़ी के लिए इस पे ऐसे चढ़ना इतने लोगों के साथ बड़ा ही डिफ़िकल्ट है,
दिस इज पॉसिबल ओनली इन स्कॉर्पियो। सो नाउ अब इस रोड को कंटिन्यू करेंगे और 30 किलोमीटर्स बचे हैं हमें क्लॉक करने को। क्लॉक करके हम अपने घर पहुंचेंगे एंड देन डिसाइड करेंगे कि अब नेक्स्ट क्या करना है क्या नहीं करना है। जैसा भी सीन होगा आप लोगों के साथ जरूर शेयर करूंगा। ये देखो इधर बस इधर ट्रक बीच में एकदम अंधा मोड़। तो देख लीजिए आ गए हम लोग घर पे। सब लोग घर आ गए घूम के थाने से। टावल बिगड़ गया है गाड़ी का, अब ठीक करेंगे अच्छे से। तो अभी भी अपना ब्लॉग जो है ख़त्म होगा कि नहीं होगा मुझे नहीं पता, आई डोंट नो। मैं एक बार चेक करूँगा, ब्लॉग पड़ा होगा तो ख़त्म कर दूँगा, नहीं होगा तो भी नहीं करूँगा। एकदम जेन्युइन बात बता रहा हूँ, इसलिए कह रहा हूँ कि अभी ये पहली वाली जो वीडियो है वो लंबी है कि छोटी है मुझे नहीं पता। ये वाली वीडियो मैं उसमें ऐड करूँगा कि नहीं करूँगा ये भी मुझे नहीं पता है। तो अभी फिर से निकलते हैं हम, एक और काम है उसको भी निपटाना है तो वापस से गोपालगंज जाना पड़ेगा। अभी गाड़ी में मैं हूँ और मुन्ना जी हैं, तो फटाफट से चलते हैं देखते हैं क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा और बताते हैं आगे का सीन आपको। पीछे जस्ट कोनहो मोड़ भी था, इसके बाद से जो है गोपालगंज आएगा। मैं आप लोगों को बस यही दिखा रहा हूँ कि ये फॉग एक बार देख लीजिए और ये मिरर्स पे कैसा जमा है, जबकि गाड़ी में हीटर ओपन है और बाहर इतना ज़्यादा फॉग है कि 6 बजे ये हाल है तो नाइट में क्या होगा और कल सुबह मॉर्निंग में क्या होगा। मैं बस ये चीज़ सोच के मैं परेशान हो जा रहा। देखो अभी क्लियर हो गया, फिर थोड़ा दूर चलते चलते थोड़ी दूर में फॉग आ जाएगा। सिस्टम बड़ा ही ठंडी में घोचपोच हो जाता है, अगर आप 4 व्हील में हो तब भी डर लगा रहता है और बाइक से हो तब तो डर ही डर है। कुल मिला के बात है ना कि जो भी लोग मोटर व्हीकल्स इंथुजियाज हैं जो बाइक्स या कार्स के, वो इस चीज़ को बहुत अच्छे से कनेक्ट कर पाएंगे समझ पाएंगे। ये एक जेन्युइन बात है कि फॉग जो है वो अच्छा नहीं होता है। देखो मज़ा आता है नो डाउट, अकेले जैसे मैं अभी अकेले हूँ मुझे बहुत मज़ा आ रहा है, बट इन जनरल आप फैमिली के साथ हो या जैसे क्या बोलते हैं इसको, रिसेंटली मेरे साथ जो एक इंसिडेंट हुआ है खड़ी गाड़ी में आकर पुलिस वालों ने टक्कर मारी, तो इन सब चीज़ों से ना एक अब अंदर से डर सा हो गया है कि फैमिली वालों के साथ बड़ा ही डर लग रहा है मुझे, पता नहीं क्यों। तो मैं यही सोच रहा हूँ कि फॉग में जितना कम से कम फैमिली के साथ मैं जर्नी करूँ। और रही बात मेरी तो अकेले तो मैं घूमते रहूँगा, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी यहाँ से गोपालगंज अभी 5 किलोमीटर, ये ऊपर बोर्ड पर देख लीजिए, और मुजफ्फरपुर 145। तो चलिए 5 किलोमीटर गोपालगंज और वहाँ से 35 घर, मतलब 40 किलोमीटर्स अभी मुझे और क्लॉक करने हैं। अभी सीन यही है, आगे देखते हैं क्या होता है। लीजिए फाइनली 6:30 या 7 बजने आए और मैं अभी पहुंचा हूं गोपालगंज। 1 तारीख के चलते यहां पे कोई ट्रैफिक नहीं है, सारे लोग इधर उधर ट्रिप पे गए हुए हैं। गोपालगंज में एकदम 0 ट्रैफिक है, बहुत अच्छे से हम क्रॉस कर रहे हैं। तो आज ये दूसरी बार इधर आना हो गया सेम डे में। एंड नाउ अब बढ़ते हैं घर, घर ही जाएंगे ऑब्वियसली क्योंकि रात हो गया, अब तो कहीं और जाना है नहीं। सो फाइनली रात के बज गए 9 और मैं अभी अभी जस्ट घर आया हूँ और अभी आके जैकेट वैकेट खोला है मैंने, तो मैंने सोचा अपने ब्लॉग को अब यहीं पे एंड कर दिया जाए। तो आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, नहीं लगी है तो कमेंट में बताएं, मतलब जो भी चीज़ें हैं अच्छी बुरी हमें ज़रूर बताएं, इन्फॉर्म करें, हमें पता तो चले क्या है क्या नहीं है। ठीक है तो फिर आज का वीडियो बस इतना ही, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।